आप कहें कि इंसल्ट करी उसको, आग में झोंक झोंक दिया। हमें ये समझने की जरूरत है कि वो क्यों, ये इसका क्या मतलब है। किताब, कोई भी किताब जलाने का, या जैसे इस देश के सबसे जो सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, ये एक तरह से जो इस देश में स्वतंत्रता, समता और समानता, बंधुत्व की जो एक सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट है, उसके प्रति एक तरह से जो हिंसा करी गई है, तो आज का कार्यक्रम उस संदर्भ में और महत्व रखता है। मैं वह इस कार्यक्रम में आने से पहले पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि जो है इस जो संविधान दिवस जो हम मना रहे हैं, इसमें क्या क्या बड़ी बड़ी जो है कितनी इम्पोर्टेंट बातें हुई, और हमें सबको मिलजुल के इंडिविजुअली और एज ए सोसाइटी उस बात को समझना चाहिए कि ये संविधान बना, इसमें जो एक एक शब्द है, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो एक एक शब्द की जो कीमत है, मुझे लगता है ये हमें अपने लिए और अपने एक बच्चे को हर रोज इस शब्द के बारे में समझना चाहिए। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो एक संविधान की जरूरत महसूस हो रही, जो इस देश के टॉप इंटेलेक्चुअल्स उस समय थे, जो आप कहें गांधी, नेहरू, पटेल और जितने भी लोग थे, सब लोग ये बात का जिक्र करते थे कि संविधान कैसे बनेगा। उन दिनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी थी सर आइवर जेनिंग्स नाम से, कुछ लोग टीम बना के उनके पास गए और पूछने लगे कि हमें आप इस काम में मदद कर सकते हैं। तो देखिए, जो संविधान, जो आइवर जेनिंग्स ने एक बात कही थी उस टाइम के, जो संविधान बनाने के लिए एक तो एक आदमी को टॉप मोस्ट जूरिस्ट होना चाहिए, उसको जो है जो संविधान की जो स्पिरिट है उसका पूरा अंदाजा होना चाहिए, उसके प्रति उसकी एक महारत होनी चाहिए। दूसरी बात, जो एक उस देश में जिसमें लागू होना है उसकी जो एक कल्चरल ट्रेडिशन है उसका पूरा उसका अंदाजा होना चाहिए, और वो एक आदमी खुद, वो जो इसको बनाए वो उसी देश का हो तो और भी अच्छी बात है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि सर आइवर जेनिंग्स सी, उन्होंने एक दो देशों का संविधान वो पहले ही बना चुके थे, तो उनको बनाना चाहते थे, पर जब यहाँ से एक प्रतिनिधित्व मंडल वहाँ पहुँचा उनके पास यूके में, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ एक ही आदमी इसके साथ न्याय कर सकता है और वो खुद भारत में मौजूद है। जो आज हम इस स्थान पे बैठे हैं दोस्तों, ये एक बहुत चर्निंग हुई उसके पीछे, आप समझिए। तो बाबा साहब का नाम उसमें सबसे पहले आया, और मैं चाहता हूँ कि जो है हम उन क्षणों को, उन बातों को बार बार याद करें। और ये जो संविधान जो है, जो इसके प्रति जो एक हिंसा का भाव हमें देखने में आ रहा है, ये शायद इसी कड़ी में जो है, हम एक तरफ मैं जब भी जो हम सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात देखता हूं, तो मैं ये समझता हूं कि एक फैमिली फॉर्मेशन की बात करी गई है इसके थ्रू। हमारा देश जो कि विभिन्न भाषाओं से, विभिन्न संप्रदायों से, विभिन्न धर्मों का एक बहुत एक यूनिक सा इंस्टीट्यूशन है, इसमें जो बाबा साहब का हम योगदान देखते हैं, तो वास्तव में वो परिवार की संकल्पना देख रहे कि हम जो अलग अलग भाषाओं को, अलग अलग विचारधाराओं को एक जोड़ के हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेंगे, और
इस देश का नाम दुनिया के सारे बड़े बड़े देशों में शुमार होगा। और जब हम अलग अलग प्रोविजंस देखते हैं, भारत देश की आजादी के बाद जितने भी स्टेप्स लिए गए, मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी में मेरा एक इंग्लिश डिपार्टमेंट में स्थान है, मैं जब देखता हूँ तो मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि बाबा साहब और जो संविधान के माध्यम से क्या करने की कोशिश करी जा रही है, उन लोगों को जिन लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सत्ता से दूर रखने के लिए और जितने भी एक इंक्लूसिव स्पिरिट से दूर करने के लिए जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनको निस्तय नाबूद किया गया इसके माध्यम से। मैं समझता हूँ कि जब हम आज इस देश में एक यूथ कैपिटल का एक हम अख्तियार ले रहे हैं, सारी दुनिया हमें देखती है कि इस दुनिया इस देश के 60% लोग 35 साल के उम्र से नीचे है, तो हम एक यूथ डिविडेंड की बात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हमें देख रहा है कि भाई सिर्फ यही देश है जो कि दुनिया में दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान कर सकता है। ऐसा मौका पहले कभी नहीं आया कि इतने ज़्यादा संख्या में युवा हों हमारे साथ। मैं आज जब इस बात को आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं समझता हूँ कि भारतीय संविधान उसमें लिखी एक परिवार को कैसे जोड़ना है, उस परिवार के सारे सदस्यों को कैसे मिला जुला कर हमें एक टीम बना के इस समाज इस देश इस दुनिया को बेहतर बनाना है, उसके प्रति हमारे लिए एक बहुत शानदार महान रोड मैप है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें इस संविधान की जो है हम सब समझ सकते हैं धीरे धीरे कि एक षड्यंत्र भी आप उसको कह सकते हैं कि आप एक धीरे धीरे ये कोशिश करी जा रही है कि कुछ इमोशनल मुद्दों को लेके कुछ ऐसी बातें करके जिसमें कि सिर्फ कुछ खास विषयों की तरफ ध्यान हमारा बटा के हम जो एक बार बार जो हमारे देश की एक प्राकृतिक ऊंचाई जो हमें हासिल करनी है उसको हटाया जा सके। मैं आप सब लोगों का आज इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में संविधान की बेसिक जो स्पिरिट है उसको फॉलो करते हुए और इसके सामने आने वाले हर खतरे को हमें चाहे उसको सामाजिक तौर से लड़ना है चाहे हमें उसको न्यायिक तौर पे लड़ना है, हम उसको लड़ने के लिए एकजुटता स्थापित करें। और मुझे लगता है कि अगले जो इस सामाजिक जो आज हम इकट्ठा हुए हैं इसके माध्यम से जो भी एक दिशा निर्धारित करी जाएगी उसको इंडिविजुअली और एक समाज रूप से हम अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।